गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम द TSN स्कूल एंड टुडे वी विल रीड, इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री. नाउ वी स्टार्ट द थर्ड पार्ट एंड इट इज़ द पेज नंबर ऑफ 88, द स्वर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील. इसमें हमें टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में बताया गया है और उसके ही बारे में जानकारी दी गई है. वी बिगेन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मैटरली बाय द रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर टिल 1799. हमें जो भारत में मिलने वाला जो स्टील और आयरन है उसके बारे में बेहतरीन जानकारी मिल सकती है टीपू सुल्तान द्वारा, कि टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उससे जो कि 1799 में बनाई गई थी. फाउज फॉर वॉर्स विद द ब्रिटिश एंड डेड फाइटिंग विद हिज स्वर्ड इन हिज हैंड. टीपू सुल्तान जो थे वो 1799 में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते हुए मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी और उनके हाथ में ये तलवार थी. टीपू लेजेंडरी स्वर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम इन इंग्लैंड. तो टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो इंग्लैंड के म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है और बहुत ही कीमती तलवार मानी जाती है. बट डू यू नो व्हाई द स्वर्ड्स इन व्हाई द स्वर्ड्स वॉज सो स्पेशल. तुम्हें पता है कि ये तलवार इतनी स्पेशल या इतनी मूल्यवान क्यों है. द स्वर्ड्स हैड एन इनक्रेडिबल हार्ड एंड शार्प एजेस दैट्स कुड ईजिली रिप थ्रू द ओपोनेंट्स द हैमर. दिस क्वालिटी ऑफ द स्वर्ड्स केम फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ हायर कार्बन स्टील एंड कॉल्ड वुड्स विच वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर द साउथ इंडिया. मतलब ये जो तलवार थी वो काफ़ी शार्प थी, काफ़ी सख्त थी और एक विशेष तरीके के कार्बन स्टील से बनाई जाती थी जिसे कि वुड्ज कहा जाता है. वुड्ज जो कि इंडिया के दक्षिण भारत में मिलता है. वुड स्टील वैन मेड इन टू स्वर्ड प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एज विथ फ्लोइंग वाटर पैटर्न. दिस पैटर्न कम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेंडेड इन द आयरन. तो ये जो तलवार बनाई गई थी वो बहुत ही वुड्स पैटर्न से बनाई गई थी और ये बहुत ही बेहतरीन तलवार थी. इसके बारे में ज़्यादा मतलब उसमें कार्बन मिक्स होता था और उस तरीके से लोहे की ये तलवार बहुत ही सुंदर बनाई गई थी. फ्रांसिस बचनन हु डज थ्रो मैसूर इन 1800 A year after Tipu Sultan's death has left us an account of technique by which wood steel was produced in many hundreds of the smelting furnaces in the Mysore. In this furnaces, iron was mixed with the charcoal and put inside small clay pots. Through an intricate control of the temperatures, the smelters produce steel and gods that were used for the swords making not just in India but West and Central Asia too. Woods is an anglicized version of the Kannada word ukku. तेलुगु हुक्कू एंड तमिल मलयालम उरुक्कू मीनिंग स्टील. अब जो ये जो वुड्स वर्ड्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों से यूज़ हुआ है जिसका मीनिंग स्टील लगाया जाता है. इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोप साइंटिस्ट. इंडियन वुड स्टील जो था उसको यूरोप साइंटिस्ट के द्वारा और फैसिनेटेड किया गया, मतलब इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया गया, स्केल में और खोज की गई. मार्शल फ्रेडरिक द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेंड फॉर इयर्स स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स. मतलब जो मार्शल फ्रेडरिक थे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग
मैग्नीज़म की खोज की और जो वुड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी खोज की, उसके बारे में वो अध्ययन कर रहे थे। हाउएवर द वुड स्टिल मेकिंग प्रोसेस, किस तरह से वुड स्टिल बनाया जाता है, विच वॉज सो वाइडली नोन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में ये अच्छी तरह से इन लोगों को ज्ञान था, वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी। कैन यू गैस वाई दिस सो? द स्वर्ड्स एंड द आर्मोन मेकिंग द इंडस्ट्री डेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड द इम्पोज्ड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय द क्राफ्ट्स पीपल इन इंडिया। तो अब जो वो सारी चीज़ें हैं कि वो किस तरीके से बनाया जाता था वो, लेकिन अब सब कुछ सुरक्षित नहीं है क्योंकि वुड्स किस तरीके से बनाया जाता था। अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेज, प्रोडक्शन ऑफ द वुड स्टिल रिक्वायर्ड अ हाई स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रेफरिंग आयरन, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल एंड एंड द 19th सेंचुरी। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया द पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट आर स्मेल्टिंग दैट यूज लोकल डिस्पोज ऑफ ओर एंड प्रोड्यूस आयरन विच वॉज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्लेसमेंट एंड टूल्स ऑफ डेली यूजेज। द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय द मैन एंड वेल वुमेन वर्क द ब्लूज पंपिंग एरियाज एंड द कैप्ट द चारकोल बर्निंग। तो ये जो चित्र दिखाया गया है ना, उसमें किस तरीके से ये बनता है ये सारा इसके अंदर बताया गया है कि देखिए किस तरीके से चित्र में ये कारीगरी हो रही है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में हमने पढ़ा उतना ही बहुत था और इतना ज़्यादा वो आता नहीं है डिटेल्स में, इसलिए अब हम जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। द ईयर वॉज 1904 इन द हॉट मंथ ऑफ द अप्रैल चार्ल्स वैड एंड द अमेरिकन जूलॉजिस्ट रॉबजी टाटा दौराबजी टाटा एंड द अर्लिएस्ट सन ऑफ द जेम्सजी टाटा वर ट्रैवलिंग इन द छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ द आयरन डिपॉजिट्स। अब 1904 की ये बात है, अप्रैल का महीना था, चार्ल्स वैड और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट दौराबजी टाटा और उसके जो पुत्र जो थे वो सब मिलकर छत्तीसगढ़ में लोह की खोज के लिए आए थे। दे हैड स्पेंड मैनी मंथ्स ऑन द कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर द सोर्स ऑफ द गुड आयरन और टू सेट अप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। उन्होंने बहुत खोजबीन की लोह की और की ताकि वो इंडिया में इसका प्लांट बना सके, प्लांट स्थापित कर सके। जमशेद जी टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्चून टू बिल्ड अ बिग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जमशेद जी जो थे उन्होंने लोह अयस्क की एक बहुत ही बहुत बड़ा उद्योग बनाने का सोचा भारत के अंदर कि वो अपना औद्योगिकरण लोह अयस्क करेंगे, बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट द आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन और, लेकिन यह पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास में जो लोह की थी और अच्छी क्वालिटी नहीं थी। वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट वेल द दौराबजी कम अपॉन अ स्मॉल विलेज एंड फाउंड दिस पीपल वर द अजेरियाज। वैन आस्क वेयर दे हैड फाउंड द आयरन और, जंगल में घूमते घूमते वो एक विशेष का समुदाय होता है अजेरियाज का, एक कुछ स्पेशल लोग होते हैं उनके पास गए और उन्होंने कहा कि वो
उन्हें आयरन कहाँ से मिलेगा था। अजेरियाज पॉइंटेड टू हील इन द डिस्टेंस, अजेरिया ने एक हील की तरफ अपनी उंगली उठाकर इशारा किया। वेयर द वेल्ड एंड डोराबजी रीज द हील आफ्टर एंड एक्सेस ट्रैक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑन स्पॉइलिंग द हील जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर दैट दे हैड लास्ट फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। राजहारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट और इन द वर्ल्ड। तो जैसा कि वो जो समुदाय था उन्होंने बताया इशारा के हिल की तरफ, वो वहाँ गए और वहाँ उनको अच्छी क्वालिटी का लोह अयस्क जो था वो वहाँ पे मिल गया। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हील है जहाँ पर कि और मिला है वो है राजहार हील्स, जहाँ पर कि फाइनेंस क्वालिटी का और मिला है। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। द रीज़न वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री। अब ये जो प्रांत था वो बहुत सूखा था और किसी भी फैक्ट्री को ओपन करने के लिए पानी की जरूरत थी। वॉज नॉट टू बी फाउंड नियर बाय, पानी कहीं नहीं था। द टाटा हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। अब उनको लोह अयस्क मिल गया था, लेकिन उसकी फैक्ट्री डालने के लिए वो एक अच्छी और सुरक्षित जगह जहाँ पर कि सारी सोर्स उपलब्ध हों ढूंढ रहे थे। हाउएवर द अग्रेसिया हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ द सोर्स ऑफ आयरन और दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट। तो अगरसिया समुदाय ने लोह अयस्क को ढूंढने में मदद की और बाद में जाके भिलाई स्टील प्लांट बन गया। अ फ्यू ईयर्स लेटर लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर शुभन सुबर स्वर्ण रेखा टू सेट अप द फैक्ट्री एंड एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर। हेयर देयर वॉज द वाटर नियर द आयरन और डिपॉजिट। द टाटा आयरन एंड द स्टील कंपनी टिस्को दैट कम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो फाइनली उनको स्वर्ण रेखा करके एक नदी थी उसके पास में जगह मिल गई जहाँ उन्होंने अपनी इंडस्ट्री खोली। टिस्को कंपनी है खोली 1912 में। टिस्को वॉज सेटअप एट द ऑपर्स टाइम ऑल दो द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग द स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। Expansion of the railway in India had provided a hub market for the rails and Britain produce. For the long while, the British experts in the India railways were unwell the belief that goods quality and steel could be produced in India. अब जो है भारत में भी एक उत्तम क्वालिटी का लोह अयस्क की टिस्को कंपनी खुल गई थी। अब यहाँ से यूरोप का और ब्रिटेन का जो है व्यापार होने लगा और ये जो व्यापार होने लगा वो रेल यात्रा के माध्यम से होने लगा। बाय द टाइम ऑफ टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। जो टिस्को कंपनी थी उसमें थोड़े बदलाव हुआ है क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप। सो इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटेन स्टील इन टू इंडिया डिक्लीन द ड्रामेटिकली एंड द इंडिया रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई फॉर रेल्स एज वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब कुछ समय तक लेन देन बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरीज वेल्स फॉर द वॉर। अब जो टिस्को कंपनी थी वो लड़ाई के लिए उपकरण बनाने लगी। बाय 1919 द कॉलोनिकल गवर्नमेंट वॉज बाइंग 19% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। और 1919 तक जो गवर्नमेंट थी औपनिवेशिक सरकार जो कॉलोनिकल गवर्नमेंट थी उसने टिस्को का 90% जो भी प्रोडक्ट था वो खरीद लिया था। अवर टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री। अब जो टिस्को थी वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। इन द केस ऑफ द आयरन एंड स्टील एज इन द केस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल
तो हमने यहाँ पर इस चैप्टर में आयरन स्टील और कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑक्यूर्ड ओनली व्हेन ब्रिटेन इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर एज द नेशनलाइज मूवमेंट डेवलप द इंडस्ट्रियल क्लास बिकम स्ट्रॉन्गर द डैमेज फॉर गवर्नमेंट प्रोडक्शन बिकम लाउडर। तो जब ये सब कब हो रहा था, मतलब जो भी माल बनाया जा रहा था भारत में उसकी डिमांड यूरोप में नहीं की गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी, सब कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया और उसके बाद में एक नेशनल मूवमेंट की जो आवाज़ उठी, इंडस्ट्रियाँ वापस से जो थी काफ़ी स्ट्रांग हो गई, उसे सरकार का प्रोटेक्शन मिल गया, आवाज़ बहुत ऊँची उठाई गई। तो औद्योगिकरण के लिए बहुत भारतीय लोगों ने बहुत संघर्ष किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसर्न मेनली ऑफ दिस डिमांड्स इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इन दशकों में बहुत बदलाव किया और इस तरीके से फिर बाद में कॉलोनियल रूल्स ही चलाए गए। तो ये एक औद्योगिकरण के लिए जो संघर्ष था, जो जंग थी, उसे इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि भारत में किस तरीके से इंडस्ट्री आई और विशेषकर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री थी वो किस तरीके से आई। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं PDF में करा दूँगी। थैंक यू वेरी मच।